बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बबरकत किताब के अंदर इरशाद फरमाया, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अंताहिरा बैत अलतौइफीन वल आकिफीन व रुकअ सुजूद। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करने वाले हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिन का एतकाब करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा यह इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूले मुबारक था कि आप हर रमज़ानुल मुबारक आखिरी अशरे का एतकाब फरमाते। आपका पूरी ज़िंदगी ये मामूर रहा और जब विसाल का वक्त करीब आया तो आपने 10 दिन का नहीं बल्कि 20 दिन का एतकाब फरमाया। और आपके विसाल के बाद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये तरीका उम्महातुल मोमिनीन जितनी अजवाज रसूल रदी अल्लाहु ताला अन्हुम ये थीं ये वो एतकाब फरमाती थी। तो ऐ ईमान वालों, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि ये तरीका अजवाज मुतहरात भी है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और जो मैंने आयत तिलावत की उसमें रब क्या इरशाद फरमा रहा है कि हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को तकीद फरमाई कि हमारे घर को पाक करो, किसके लिए? एतकाफ करने वालों के। ऐ ईमान वालों, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है और साबका अम्बिया का भी मामूल है, उनका भी तरीका है, उनकी भी सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बहनों बेटियों को भी और हमारे नौजवानों को भी ये जो इबादत है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।